एक्चुअल में डेथ है, एक है सुसाइड, माना एक मुझे 50 साल शरीर में रहना चाहिए, 50 साल हुए, एक सेकंड के अंदर शरीर छोड़ता है, अब जहां 4 महीने का गर्भ तैयार है, एक सेकंड में वहां चला जाता है, एक सेकंड में इधर उधर घूमता नहीं, भटकता नहीं, ये शरीर छोड़ा एक सेकंड में वहां चला जाएगा। तो ये आम है जनरल। और एक है मुझे 50 साल शरीर में रहना चाहिए, 50 साल आगे डॉक्टर ऑपरेशन करते 40 साल में ही फेल हो गया, शरीर टूट गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, शरीर टूट गया, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी? 40 साल और 10 साल बाकी है, वो कहाँ जाएगी? उसको कहते हैं भटकते हुए आत्मा। तो उसको शरीर नहीं मिला, 10 साल तक वो घूमती है। तो वो आत्मा क्या करती है? जिसका भी मकान खाली है, कोई कमजोर है, उस शरीर में प्रवेश करती है। और उधर के मैं देवी हूं, मैं सीता हूं, मैं राम हूं, मैं दुर्गा हूं, ऐसे नाम लेके इनके घर में आती है। तो ये कौन सी आत्मा आती है? तो उसकी चाल वो देखना। कभी भी आप उनको पूछो जिसके शरीर में आते आप कौन हो, नाम नहीं बताएंगे, कहां से आए दृष्टि नहीं देगी। तो ऐसी आत्माएं जो भटकती है वो आत्माएं आती है जो 10 साल 10 साल के बाद शरीर छोड़ के जाएगी। फिर आप और एक तो भूत आत्माएं, भूत आत्माएं क्या है? जो जान बुझ के सुसाइड कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, परीक्षा में फेल हो गया, बिजनेस में नुकसान हुआ, जान बुझ के शरीर को, तो वो किसके किसने दुख दिया उसके ऊपर जाके बदला लेते हैं। भूत आत्माओं की प्रवेशता होती है, उनको दुख देते हैं क्योंकि वो दुखी होकर शरीर छोड़ता है। तो इनका ज्ञान होना चाहिए शरीर कैसे मैं छोड़ता हूं, है ना। 50 साल हो गए, समय हो गया, ये शरीर छोड़ा तुरंत दूसरे शरीर में गए, एक सेकंड में रुकता नहीं इधर उधर। अगर एक सेकंड ये जो बाकी आत्माएं घूमती हो कौन, वो एक्सीडेंट से गए, अकाल मृत्यु का कलयुग में अकाल मृत्यु, समय से पहले वो कहां जाएंगे? मकान तैयार नहीं हुआ, पहले वाला मकान टूट गया, तो कहां रहेंगे? रास्ते पर घूमेंगे ना, उनका तैयार नहीं, तो वो भटकते हैं। वो जिसका मकान खाली मिला उधर घुस जाएंगे, जो कमजोर आत्मा है उनके घर में घुस जाएंगे। तो इसके लिए कहा, नाम लेके मैं ऐसे हूं मैं ऐसा हूं। जैसे देखो सीता के पास कौन आया? रावण अपना पहचान करके नहीं आया, साधु बन के आया, सीता को पता ही चले कौन है। तो ऐसी रूप बदल करके आएंगे, कहेंगे मैं देवा हूं, देव हूं, ये हूं, ऐसा हूं। तो उसके लिए बाबा ने ये स्मृति रखो कि मैं कौन, सर्वशक्तिमान शिव बाबा का पुत्र, समझ के दृष्टि देखो। ऐसी आत्माएं कभी भी देखो दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाएंगी, शुद्ध आत्मा है वो दृष्टि से दृष्टि मिलाएंगी। तो ये परख चाहिए, हर एक की व्यवस्था की है, कैसे परखे कौन आया, कैसी आत्मा आई, है ना। तो हर चीज की विधि चाहिए। तब बाबा का दर्शन अलग अलग रूप रंग लेकर के माया अलग अलग रूप से आती है और हम फंस जाते हैं। वो पहले अच्छी तरह से आप बताएंगे, है ना। देखो साधु का वेश लेके आता है कोई, और देवी हूं मैं, आपको अच्छी बात है, ये दवाई ले लो, ये करो, आपका भला होगा, अच्छा होगा, बहुत कुछ सुनाएंगे, क्योंकि आप घर में रहना है, घर चाहिए, शरीर चाहिए, और शरीर के बगैर रह नहीं सकते। तो ऐसी आत्माएं कोई देव आत्मा किसी के अंदर आएगी शरीर के अंदर, तो वो चाहिए। कौन आता है, कैसे आता है, क्या ज्ञान सुना, तो सबकी व्यवस्था चाहिए। तब कहा एक ही, कोई भी धर्म गुरु ये सब गए, कोई भी किसी के तन में नहीं आए, किसी ने गीता नहीं सुनाई दोबारा, गुरु नानक देव जी के कभी नहीं आए, कभी नहीं कहा मैं हूं कि गुरु नानक देव हूं, किसी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं मैं राम हूं, कभी नहीं कहां गए। तब कहा कि शिव बाबा कैसे आता है, कंप्लीट पवित्र। अभी पुट पत्रिका सत्य से बाबा शरीर छोड़ के गया, कहां गया? अब उनके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, उनकी कौन संभाल करेगा? तो वो दूसरों के तन में आ सकते हैं? आया नहीं आ सकता है, एक ही कर्मा के। क्यों? उन्होंने शिव बाबा को भगवान को याद करके अपने पाप मिटाया नहीं, जो कर्मातीत होता है अपने पाप मिटाता है, तो वही पुण्य आत्मा ही प्रवेश कर सकता है। इन सब का ज्ञान चाहिए।
संसार में चलते हैं।